हाँ जी, राम राम सारे भाइयों ने। क्यूबा सिटी के बीच भाई आज बहुत बड़ा रोमांटिक वीडियो होने वाला है, और जहाज किनारे पे तो जा नहीं सकेगा, तो हम टेंडर बोट के द्वारा हम ये ऑपरेशन करेंगे और बाहर की पूरा ये सिटी घूमेंगे। तो चलते हैं बाहर और करते हैं एक्सप्लोर। तो लोडिंग स्टार्ट कर दी यार, देख सकते हो आप कितने बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं, अभी भी अपनी लाइफ का फुल एंजॉय करते हैं। अभी लोडिंग स्टार्ट है और अब मैं यहाँ से सीधा बाहर जाऊँगा, और यहाँ से हम बाहर की तरफ जाएंगे, शिप किनारे पे जाएगा नहीं, तो चलते हैं बाहर की तरफ। यहाँ से हम जा रहे हैं, अब शोर साइड देखते जाओ, ये शिप लगे हुए हैं, टैंकर जो तेल लोड करते हैं, एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो यहाँ पे किनारे पे डिस्चार्ज करते हैं। तो अंदर देख सकते हो, जूम करके बताता हूँ, ये पूरे अंदर जो बैरल लगे हुए हैं बड़े बड़े जो देख पा रहे हो आप, पूरे फुल डिस्चार्ज होते हैं टैंकर, पता नहीं कितना लीटर तो यहाँ से लोड होता है तेल या डिस्चार्ज कर रहे होंगे ये, तो कुछ भी ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तेल। देख सकते हैं कितने बड़े जहाज खड़े हैं। पूरी फुल लेके आया हूँ मैं, यहाँ से भी गेस्ट सारे बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए सैंटियागो में। सैंटियागो तो क्यूबा, क्यूबा कंट्री है भाई जी ये, और आपको मैं यहाँ का म्यूज़िक के साथ भाई देखो बाहर का कल्चर भी दिखाता हूँ। देखो पूरे अंदर गेस्ट बाहर जा रहे हैं और बाहर का कल्चर देखो, बाहर के कल्चर का मजा। देख सकते हैं जैसे आपको मैंने सारा दिखा रहा हूँ, तो पीछे भी आप देख सकते हैं कैसे मस्त इंजॉय ले रही है पब्लिक बहुत। यहाँ पे सनी वेदर है, गर्मी बहुत है, टेंट लेके बाद आज पूरा दिन हम यही ऑपरेशन करेंगे, जो लोगों को हम साइड में ले आएंगे किनारे पे, पूरा आपको ये ऑपरेशन दिखा रहा हूँ आज। लाइक एंड शेयर करते रहें, टेम्परेचर चेक कर रहे हैं नीचे पीछे आप देखोगे तो। अभी वापिस जा रहा हूँ, मेरा भाई पीछे दिखा रहा हूँ इसको भी, या ट्रेन कर रहा हूँ इसको भी मैं, ये हमारे चीफ इंजीनियर और माय ब्रदर कार्तिक इज हियर। सो चीफ, विल यू एंजॉय आउटसाइड? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, आवर चीफ इंजीनियर, बेस्ट चीफ इंजीनियर। ओके, सो देखते हैं आगे जाके, ऐसे ऑपरेशन चलता रहेगा। जो गेस्ट हैं वापस यहाँ से शिप से यहाँ लाने, क्योंकि शिप बड़ा है हमारा तो किनारे पे नहीं आएगा, तो हम बोट के थ्रू इनको लेके आते हैं। तो ये ऑपरेशन चलता रहेगा, जैसे हमारे को मेरी छुट्टी होगी तो मैं बाहर का भी यहाँ का शूट करूँगा, करेंसी देखेंगे क्या है। बहुत अच्छा है यहाँ का, जो पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, छोटा सा आइलैंड ही है अभी क्यूबा करके, तो आपको दिखाता हूँ अभी बैक कैमरे में हम कैसे जा रहे हैं आगे। देख सकते हो आप कैसे फुल स्पीड दे रखी है भाई ने, वो सिटी रहेगी क्योंकि डेप्थ कम है नीचे का, जो शिप का जो नीचे की डेप्थ मतलब जो नीचे की पानी के नीचे की जो गहराई है वो कम है, तो बड़ा शिप आता नहीं यहाँ पे। एक सामने शिप लगा, इससे बड़ा शिप है, हम जा रहे हैं शिप की तरफ। तो ऐसे ऑपरेशन चलाए रखेंगे आज हम पूरा दिन, दो दिन यहाँ का हमारा स्टे है, फुल मज़े करेंगे, जॉब के साथ मज़े भी करते जाएंगे। हमारे इंजन में प्रॉब्लम आ गई है देखो चलते समय, अभी हमारा एक इंजीनियर है चीफ इंजीनियर साथ में, तो ऑयल लीक हो गया है, तो आप देख सकते हैं चीफ इंजीनियर नीचे काम कर रहे हैं, हमारे फोर्थ इंजीनियर साथ में इनके असिस्टेंट, आप दिखा दूँ आपको मैं, पूरा ऑयल लीक हो चुका है। तो हम अभी एक इंजन पे हेड कर रहा है भाई मेरा, अभी एक इंजन, भाई अभी एक इंजन पे चला रहे हो ना? हाँ, अभी भाई एक इंजन पे चला रहा, फॉल्ट आ गया है अपनी बोट में, तो ऐसे ऐसे ऑपरेशन होते रहते हैं। तो अपना चीफ इंजीनियर साथ में, तो अपने को टेंशन होने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा गुड एक्सपीरियंस वाला चीफ इंजीनियर है, अपने को टेंशन लेनी नहीं है। भाई हॉर्न मारते जा रहा दूसरी बोट को, चलते हैं इसको फॉल्ट रिपेयर करवाते हैं पहले। तो शिप के नज़दीक पहुंच गए हूँ, पहले तो अपना इंजन ठीक करवाते हैं। देखिए आपको एक भी बताता हूँ, अगर शिप के अगर किनारे पे नहीं जाए शिप, तो आप सोचते होंगे कैसे रुकता होगा, भागता क्यों नहीं है, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। जो एंकर होता है, आपने एंकर सुना ही होगा, बहुत हैवी एंकर होता है, जैसे 10,000 किलो 20,000 kg का, तो पानी के नीचे बिठा दिया मिट्टी में, तो उस शिप इसको खींच नहीं पाता। तो आप देख सकते हैं आगे से, आपको मैं चेन दिखाता हूँ नियर बाई, ये देख सकते हैं, अब ये चेन बिल्कुल अप एंड डाउन हो रखी है, बिल्कुल आप देख सकते हो, ये बहुत हैवी चेन है।
तो हमारा वो खुल रखा है प्लेटफॉर्म, छोटा सा खुल रखा है। मैंने आपको पहले पहली वीडियो में बताए थे प्लेटफॉर्म खुलते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म इन ऑपरेशन के काम आते हैं। तो हम यहाँ पे आके पहले इंजन रिपेयर कराएंगे। तो भाइयों ने इंजन ठीक कर दिया है, एक नेट फ्री हो गया था, नया बना हुआ है। अभी हम बंकर ऑयल लोड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे फॉल्ट मिलते हैं। इन्होंने भाइयों ने फॉल्ट ढूंढा, गियर ऑयल लीक हो गया था पूरा। टेस्टिंग चालू इंजन की, एक राउंड मारते हैं शिप कवर देखते हैं, और राउंड निकालेंगे अपने वेसल का। कोई लीकेज तो नहीं हो रहा अभी तक, तो कोई लीकेज नहीं है। उसके बाद हम ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, अभी तक तो कोई लीकेज नहीं है। अच्छी शाफ्ट घूम रही है नीचे, देख सकते हो। मैं दिखा दूं आपको, तो हम नाइट में ऑपरेशन कर रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है स्टेयरिंग करना, दिख नहीं पा रही हूँ अंधेरे में। तो मैं दिखाता हूँ आपको बाहर से, तो ये बाहर से पूरा नाइट में हम स्टेयर कर रहे हैं। हेलो भाई, फुल नेविगेशन से, अपनी नेविगेशन है ये पूरी, नेविगेशन से हमें पता होता पूरा। लाइटिंग को देख के चलते हम, तो लाइट्स को देख के पूरा, पूरी नाइट स्टे आपको बोला था, दो दिन यहाँ पे मेरा स्टे है, देख सकते हैं। नाइट ऑपरेशन भी, शिप है। शिप पीछे दिख रहे हैं, देखो देख सकते हैं। अगर स्टार देख के भी हम नेविगेशन करते, जो पहले नेविगेशन करते स्टार देख के चलते थे पूरी नेविगेट, अभी हम चले हैं किनारे पे नेविगेशन करते हुए। खाली गाड़ी आ रही है भाई, वो रे खाली नहीं आ रही है, पूरी भरी। कितना मस्त व्यू लग रहा है, फुल गेड़ा रखा नाइट वालों ने भी। मैं तो 12 से 4 आऊंगा, 12 से 6 तक अपनी राइडिंग चली जाएगी, मजे लेते हैं नाइट का भी यहाँ पे। एग्जिट मार लिया पासपोर्ट दिखा के यहाँ से, यहाँ पे एक स्लिप मिलती है हमारे को बाहर घूमने के लिए, रिटर्न करवानी तो हमारी आईडी वापस करेंगे। बस में बैठ गए, बस में जाएंगे बाहर का सफर करेंगे। एसी वेसी सही है ना डंडेल? ओके, गाइडेंस है अपना, ज्यादा दूर नहीं यहाँ पे, पर पैदल वॉक कर नहीं सकते वहां से, तो इसलिए बस का सर्विस अवेलेबल है हमारे लिए। मस्ती हमारी, उतर गए हैं। तो ये मेन सिटी अंदर की यहाँ की, सैंटियागो। ज्यादा पॉपुलेशन नहीं यहाँ पे, अराउंड 1 लाख तक रख लो पब्लिक, 1 लाख तक पब्लिक रखो। यहाँ पे मिक्स पीपल रहते हैं, ब्लैक एंड वाइट दोनों मिक्स है, 80% मिक्स लोग रहते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ की टी। भाई गिटार सुना रहा उनको मस्त, तो नाइट व्यू देख लो। तो ये स्ट्रीट है, सारे स्पेनोट बोलते हैं, मेन स्ट्रीट है यहाँ की। ये होटल है ऊपर, पूरा होटल काशा ग्रांडा में आप रह सकते हो अगर आप यहाँ पे घूमने के शौकीन हो। ये चर्च है यहाँ की लोकल, स्पेनुअल बोलते हैं, स्पेनिश लैंग्वेज बोलते हैं सारे। एम्बेसडर देख लो अपनी पुरानी। एक बात यहाँ पे देखी, सारी यामा बाइक है यहाँ पे, चर्च है यहाँ पे लोकल है भाई, अपना ऑटो चलाता हुआ। यहाँ की लोकल स्ट्रीट है जी, देख सकते हैं। नाइट में थोड़ा यहाँ पे डेंजर है रहना, क्योंकि सारे पीछे पीछे घूम रहे हैं लोग यहाँ पे। देखो यार, बड़े पुराने मॉडल गाड़ी हैं यहाँ पे, ये पुरानी मॉडल यहाँ मिल रहे हैं देखने को, देख सकते हो आप। बस यहाँ पे भी सारा खाली खाली पड़ा है, पॉपुलेशन बहुत कम है यहाँ पे, तो यही है ज़्यादा यहाँ पे। और कुछ क्या दिखाऊँ आपको मैं यहाँ पे, और सिटी सारी क्लोज हो रखी, हम लेट हो गए हैं। तो चलते हैं गलियों गलियों में, नीचे सारी स्ट्रीट बनी हुई है यहाँ की लोकल। बड़ा मुश्किल हो रहा है यार इनसे बात करना, फुल स्पेनिश बोलते हैं, एक भी वर्ड इंग्लिश का नहीं बोल रही है। तो अब इशारों से जा रहे हैं इनके, देखते हैं। ATM पूछा हमने, तो देखते हैं खाने पीने कुछ मिलता है। तो बॉम्बे का ताज होटल देख लो, वही डिज़ाइन लग रहा है मेरे को। तो लोकल सिटी में कोई पब्लिक ही नहीं है यहाँ पे सिटी के अंदर। यहाँ की मेन स्ट्रीट है, थोड़ी थोड़ी ओपन, थोड़ा दिख रही है पब्लिक यहाँ पे, देख सकते हैं। देसी स्टाइल अपना भाई सामान बेच रहा है शाम को, माल मूल भांग भूंग बहुत पीते हैं यहाँ के लोग, चलते फिरते सारे और रहे भांग पी लो। स्मित भाई साइड हट जा, लोगों को दिखा दूँ सारा शॉपिंग। अगर दिन में आएंगे तो, दिन में आऊँगा तो देखता हूँ, दिखाऊँगा यहाँ के क्राउड कितना रहेगा। साथ एक रेस्टोरेंट है, मंजिल खाना खा के जाएँ सी साइड में। यहाँ पे एक जूस पी के पिज़्ज़ा पुज़ा मंगवाया है, खाते हैं जो भी मंगवाया। मैंने फिश फ्राई मंगवाई है, देखते कैसा है। सस्ता ही यहाँ की करेंसी, यहाँ की लोकल डॉलर है, $1.50 यहाँ की लोकल करेंसी। ये आ गए भाइयों अपना खाना, भाई बढ़िया चिकन बढ़िया लिख रहा देखने में भी, और कुछ श्रिम्स हैं और फिश फ्राई है, और अपना जूस साथ में चल रहा है, लेते हैं खाने के मजे। और बहुत चीप है यार, जरूर आना यहाँ पे भी, क्यूबास कंट्री में बहुत चीप है। तो देखते हैं खाते पीते हैं और मिलते हैं फिर सुबह, अगर मेरे को सुबह आने का टाइम मिलता है। यार मिल ही गया फाइनल सुबह आने का भी टाइम, तो आपको रात को मैंने घुमा ही दिया था यहाँ से पूरा, मैंने
क्यूबा कंट्री, और अभी आपको सैंटियागो क्यूबा आपको मैं दिन में घुमाता हूँ, तो लो दिन में घूमने के बजे मेरे साथ। नाइट में रेस्टोरेंट में बैठा था, दिन में देख सकते हैं रेस्टोरेंट है वो, और रेस्टोरेंट का नाम है ऊपर फिश मंगवाई है फ्राई। वेट करते हैं कैसी फिश आती है, रात मस्त फिश आएगी, वो दोबारा खाने पे आए हम। यहाँ रात सिस्टम चलता है, रात तो नहीं है, यहाँ पे दिखाऊंगा अगर मिलता है तो। पहुँच के जो आपको राइट नाइट व्यू दिखाया था, इस बस से आते हैं, पैदल ही आ गए हैं घूमते हुए। बहुत बढ़िया यहाँ पे ये चर्च है, साथ में होटल दिखाया था आपको रात को मैंने, यहाँ का व्यू देख लो। दोपहर में सब बंद हो जाता है यहाँ पे, शाम को खुलता है 3 बजे के बाद। बस तो यहाँ पे इतना ही है भाई, इतना ही इस ब्लॉक में, तो लाइक एंड शेयर कर दे भाई। सुवेनियर ले लिया यहाँ का, करेंसी भी ले ली, यहाँ की करेंसी भी दिखा देता हूँ आपको मैं, ये क्यूबा यहाँ का, यहाँ की करेंसी कलेक्शन भी कर ली 10-10 की, मतलब 150 होता है एक डॉलर, तो बहुत हो गया अपने पास तो। सो बताना कैसा लगा आपको क्यूबा, यहाँ पे बहुत चीप है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता, इंडियन स्टाइल में सस्ता, मतलब बहुत सस्ता, जैसे लोकल और कंट्री घुमा ले, और यहाँ पे पुअर पीपल ही बहुत हैं, पर चल जैसे यहाँ की नेशनलिटी और पीपल है, मिक्स ब्रीड है यहाँ पे सारे ना, इसलिए यहाँ पे। तो चलो मिलते हैं, वापस जाने का टाइम हो गया है, तो लाइक एंड शेयर करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट कंट्री में। See you, Jai Hind, love you all.